आपके लिए नया एक वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग के साथ खड़ी है 2023 के नो मॉडल बजाज डोमिनार 400। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका वॉक अराउंड प्लस क्या नए अपडेट आए, तो वन बाय वन मैं आपको सारे अपडेट्स जो नए आए वो बता देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से मेरे वेरी थैंक्स राज बजाज जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, जिसका नाम है वीकेंड जर्नी और मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में अपने साथ है डोमिनार 400, जो बेस्ट बाइक है, जो 400 सेगमेंट में की मांगी जाती है, जिसका नाम है बजाज डोमिनार। तो बजाज डोमिनार की कुछ ऐसी है, वेव की है। तो ये है मस्कुलर बाइक जो सबको पसंद है, टूरिंग बाइक। पहले इसका ऑन रोड प्राइस देख लेते हैं और डिस्प्ले पे आते आपको आ जाएगा, जिसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 2,84,000। इसका मुंबई में तुर्बे में ऑन रोड प्राइस है और इसका एक शोरूम प्राइस है 1,29,711 रुपीज़। ये 2,84,000 में आपको क्या क्या अपडेट आ गए हैं तो वन बाय वन वो आपको चेक कर लेते हैं। पहले गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए। पहले मुझे सबसे बड़े अपीलिंग लग रहा है इसका विंडशील्ड इसका बहुत अच्छा है, दिख रहा है यहाँ पे। इन लोगों ने अभी अच्छा कलरिंग भी कर दिया है। ग्रीन स्ट्रिप्स इन लोग ने वाइजर में डाल दिया, बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके साइड में ये नकल गार्ड है, तो ये भी कंपनी फिटेड आते हैं। इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे इन लोग ने भाई बहुत अच्छा सेटअप है एलईडी का। ये पूरी गाड़ी इन लोग ने पूरी एलईडी कर दी है, तो ये इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। इसके ये डीआरएस है, देखो कितने ब्राइट है, कितने ये इसका हाई बीम लो बीम भी आपको दिखा देता हूँ। अभी ये लो बीम है और इसका भी हाई बीम आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा सेटअप है, इसके वजह से रात को आपको बहुत अच्छी तरह दिखेगा। और अभी मैंने इंजन स्टार्ट कर ही दिया है तो इसका मैं एग्जॉस्ट साउंड भी आपको निकाल देता हूँ। ये दोहरे वाला एग्जॉस्ट है, देखा कितना बड़ा लाउड है इसका साउंड। तो ये भी आपको मस्त में थ्रिलिंग देगा आपको राइड करते समय। प्लस यहाँ पे अच्छे खासे अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। इसका मोटा देखिए 43 mm के इसके अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। इसके नीचे आए तो यहाँ पे डायमंड कटेड व्हील है। इसका सेक्शन है 110 सेक्शन का टायर है और इसके साथ और ये 320 mm के इसके डिस्क ब्रेक है, देख लीजिए कितने बड़े हैं। इसके वजह से इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड्योरेंस के इसका सस्पेंशन है, देख लीजिए। प्लस इसके ब्राइब्रा के कैलिबर्स है, इसके वजह से आपको अच्छा खासा बाइक मिलेगा और इसके स्टॉपिंग पावर भी बहुत अच्छी है। इन्होंने पूरा एलईडी सेटअप कर दिया, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे इसके इंडिकेटर पूरे एलईडी कर दिए। तो बता देता हूँ ये गाड़ी ड्यूल चैनल एक्सपीरियंस से। तो इंजन में यहाँ पे इन लोगों ने लेग गार्ड दिया है, प्लस इन लोग ने इंजन प्रोटेक्शन के लिए ये इंजन गार्ड भी दिया है। तो इसके वजह से आपका इंजन के अंदर कम से कम मर जाएगा, तो इन लोगों ने ये अच्छा खासा फीचर इन लोगों ने दे दिया है। इस इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है, पहले ट्रिपल स्पार्क आता था तो अभी सिंगल स्पार्क आता है, तो इसके वजह से आपको राइडिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इंजन की स्पेसिफिकेशन मैं आपको अभी डिस्प्ले पर शो कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। ये इंजन है 373.3 cc का और ये प्रोड्यूस करता है मैक्स पर 14 PS की मैक्स पावर और 35 न्यूटन का टॉर्क। तो यही एडवेंचर बाइक है आपको मस में, आपको इससे आप लॉन्ग टूर प्लस नॉर्मल टूर भी कर सकते हो और इसके वजह से आपको ये माइलेज देगी। इंजन आपको कम से कम मिनिमम 25 किलोमीटर का तो आपको एवरेज दे देगी, तो ये बुरा नहीं है क्योंकि इंजन ये 400 cc का इंजन है तो ये 25 आपको निकाल के दे रही है, बुरा नहीं है। यहाँ पे डोमिनार के ब्रांडिंग लिखी है, इसके साथ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये E20 प्लस पेट्रोल प्लस इथेनॉल भी अभी चलेगी, गवर्नमेंट ने भी पूरा माइलेज कर दिया है। तो ये मस्कुलर टैंक है, तो ये 30 लीटर का टैंक है, तो एवरेज आप निकाल के देख लीजिए। ये आपको 25 का मतलब कम से कम टैंक फुल कर दिया तो आराम से आपको 300
300 तक निकाल के दे देगी ये। पीछा है तो यहाँ पे स्प्लिट सीट आती है, ये कंफर्टेबल है, अभी थोड़ा सॉफ्ट, हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम है, तो आप आफ्टर मार्केट आप खुद से भी लगवा सकते हो, पर ये बुरा नहीं है, ये अच्छा अभी कंपनी फिटेड अभी अच्छा दे दिया है। यहाँ पे इन लोग ने ड्यूअल बैरल का एग्जॉस्ट दिया है, यहाँ पे 400 की ब्रांडिंग है। पीछे का टायर इन लोग ने 150 सेक्शन का टायर दे दिया है, और उसके साथ ये डिस्क ब्रेक देखिए कितना बड़ा है, कुछ कुछ बाइक में ये डिस्क ब्रेक आगे भी दे देते हैं, तो ये यहाँ पे पीछे मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, इसकी वजह से आपको ब्रेकिंग अच्छा परफॉर्मेंस देगी, और आपको ड्यूअल चैनल्स तो है ही, कोई टेंशन नहीं है। सेक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे पीछे भी पूरा LED सेटअप कर दिया है, प्लस यहाँ पे LED इंडिकेटर, नंबर प्लेट भी इन लोग ने LED का दे दिया है, यहाँ पे कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड, यहाँ पे ये ओपन चेन का सिस्टम है, हर 500 किलोमीटर के बाद आपको चेन क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डबल स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड नहीं है, पर इन्हें साइड स्टैंड में साइड कट ऑफ सेंसर भी दे दिया है, तो ये भी एक अच्छे फीचर्स है। तो ये 400 फुल्ली लोडेड है, एडवेंचर टूरिंग बाइक है। की बात करते हैं इसके गाड़ी के डायमेंशन के ऊपर, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी सीट हाइट है 800 mm की, और इसका वेट है 193 kg का, तो ये बहुत भारी मस्कुलर बाकी है क्योंकि 400 है, तो इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये हाई स्पीड पे हाईवे पे ये गाड़ी चिपक के चलेगी रोड पे, तो इसके वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, और इसका आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा चलाने का, तो इसका वेट यहाँ पे काम आता है। इस पर कंपनी फिटेड टॉप रैक भी आता है, यहाँ पे आपका टॉप बैग्स लगा सकते हो, और भी बहुत सारे एक्सेसरी आते हैं, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, पर कंपनी भी मिलती है, कंपनी ने में इसके अच्छे खासे एक्सेसरीज निकाले हैं, बस उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 12-13,000 में आपको जो एक्सेसरीज है वो मिल पाएंगे। इसका हैंड बार भी देख लीजिए कितना अच्छा वाइड है, यहाँ पे इन बिल्ड लाइट आती है, यहाँ पे इसका मिरर भी देख लीजिए बहुत हेवी है, अच्छा लगता है, ये एकदम प्रीमियम बाइक है, और ये यहाँ पे 2 डिस्प्ले आते हैं, यहाँ पे इस डिस्प्ले में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, ओडोमीटर मिलता है, तो इस डिस्प्ले में यहाँ पे इंजन का RPM, किलोमीटर पावर आवर, यहाँ पे फ्यूल शो करता है, तो इस वाले नीचे वाले डिस्प्ले में आपको दिखता है ABS और इंडिकेटर के सिम्बॉल्स, तो यहाँ पे और एक USB चार्जर दिया है, तो लॉन्ग टूर के लिए पर मैं आपको यहाँ पे पास लाइट, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर्स, और यहाँ पे हॉर्न है, तो इस वाले में इंजन के स्विच मिलता है, इंजन स्टार्ट मिलता है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट मिलता है, और यहाँ पे आप नहीं चाहिए तो आप लाइट ऑफ भी कर सकते हो। 2,84,000 में आप अपने को इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको ये बाइक लेनी है तो एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए राज बजाज शोरूम जो पड़ता है तुरबे में, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, अब पसंद आई तो ले लीजिए और टेस्ट राइड ज़रूर लेना। इसका ऑन रोड प्राइस है 2,84,000, तो मैंने आपको फीचर्स इसके बता दिए है, एक बार चेक कर लीजिए, पसंद आती तो ज़रूर लेने का सोचना, क्योंकि ये टूरिंग बाइक है, और बस इसमें 2-3 अपडेट आ चुके हैं 2023 के मॉडल में, पहले आपको बता दें 20 और यहाँ पे सिंगल स्पार्क, तो ये 2-3 अपडेट आ चुके हैं, बाकी सेम ही गाड़ी है, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है। अभी इसके वजह से माइलेज में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि E20 आ गए ना, तो पेट्रोल पे और प्लस या इथोनल पे चलेगी, तो धीरे धीरे आपके नज़दीकी पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल अवेलेबल हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपको माइलेज में भी अच्छा मिल सकता है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और अपने वीकेंड जर्नी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव बना दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।